नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं एनबीसी 24 न्यूज। एसटीटी अभ्यर्थी लगातार आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा तमाम अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिलता है। बिहार के शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात तमाम अभ्यर्थियों ने की है, लेकिन कहीं ना कहीं आश्वासन शिक्षा मंत्री देते हैं। कभी कहा जाता है होली में बहाली होगी, तो कभी कहा जाता है कि अप्रैल माह के पहले हफ्ते में बहाली होगी। देखिए, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज बात करने के लिए एसटीटी क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील है। सुशील, लंबे समय बाद दिखाई दिए हैं, कहाँ थे? सबसे पहले तो एसटीटी 19 अभ्यर्थियों की तरफ से अभिषेक जी, आपको और आपके पूरे टीम को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। और आप जिस तरीके से हमारा मुद्दा, जो एसटीटी 19 का मुद्दा है, तमाम मुद्दे को आप इतने अच्छे से उठाते हैं, प्राथमिकता देते हैं, ताकि एसटीटी 19 अभ्यर्थियों का जो आवाज़ है गवर्नमेंट के कानों तक जा सके और हमारा कुछ कल्याण हो सके, ताकि हम स्कूल में, कॉलेज में स्थापित हो सके एज ए टीचर। और इसके लिए तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों की तरफ से आपके पूरे टीम का हम शुक्रगुजार हैं, थैंक यू बोलना चाहते हैं पूरे टीम की तरफ से। हम लोग कहीं गायब नहीं हुए हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि कहीं गायब हो गए हैं या मार्केट, ऐसा नहीं है। जब तक कि हम लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा, तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जो हम लोगों को 12 मार्च को जो बोला गया था, 12 मार्च 2021, आज एक साल से ज़्यादा हो गया है, जो बोला गया था कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नियुक्ति, नौकरी पक्की है, तो गवर्नमेंट को पक्की करनी पड़ेगी। और जब तक पक्की नहीं करेगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से बने हुए हैं। ऐसा नहीं, हाँ कुछ गैप हुआ है, गैप का ये मतलब कहीं से भी नहीं है कि हम लोग कहीं भी मतलब आउट हो गए हैं मार्केट से, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जॉब ले के छोड़ेंगे। सुशील जी, पहला सवाल रहेगा, मेरिट और नॉट मेरिट को लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभिषेक जी, आपको आपके न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने कई बार ऐसा बोला है, कई बार। अभी मतलब अगर मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा, तो 8-10 बार मैंने ऐसे बोला कि मेरिट और नॉन मेरिट मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। मेरिट और नॉन मेरिट जो नोटिफिकेशन था, उसके अकॉर्डिंग भी मेरिट और नॉन मेरिट, मेरिट जो बनेगा वो बनाया जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग बनाएगा या उसके द्वारा स्थापित कोई कमेटी बनाएगा, जो आजकल नियोजन इकाई के थ्रू बनाया जाता है, उस समय मेरिट बनेगा और वो फाइनल मेरिट होगा। और ये जो एग्ज़ाम था, उसमें मेरिट और नॉन मेरिट का कोई चर्चा नहीं था, उसमें क्वालिफाइड एंड नॉट क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड की बात थी। जो कि मेरिट जो बनाया गया था, जो बीएससीबी के द्वारा बनाया गया था, उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। मैंने हजार बार इस चैनल के माध्यम से चिल्ला कर बोला है कि मेरिट जो बनाया जाएगा वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनाया जाएगा, बीएससीबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरिट बनाना उसका काम नहीं था, वो उसके द्वारा एक गलती थी जो लोगों को, मतलब गलती मतलब उसके द्वारा हो गई, और लोग उसको गलत तरीके से प्रिटेंड करते हुए इस मैटर को बहुत ज्यादा लंबा खींच दिए और पूरे टीम को, एसटीटी 19 के टीम को दो गुटों में डिवाइड कर दिए, मेरिट और नॉन मेरिट, जो सो कॉल्ड मेरिट और सो कॉल्ड नॉन मेरिट के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो पूरा टीम क्वालिफाइड है। और इसके लिए दोनों तरफ से कुछ लोग जो मतलब मेरिट के जो ना जो बोलिए ठेकेदार है, वो अपना चंदा का धंधा करना स्टार्ट कर दिए और उसको मतलब कि बढ़ाते चले गए और मैटर यहाँ तक आ गया कि मेरिट और नॉन मेरिट में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो बात ये है कि ये कुछ नहीं है, क्वालिफाइड है जी। और हमेशा हम इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बोलते आए हैं कि जो भी 45% और 50% से ऊपर जो नोटिफिकेशन में मेंशन था कि एक मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम था, जिसमें 45 और 50 से जो भी ऊपर हैं, सारे लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे, जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, टीचर बनने के लिए लायक हैं। और यही नोटिफिकेशन में है और यही चीज़ मैं कई बार आपके माध्यम से बोला हूँ और आज भी यही बात बोल रहा हूँ। इसलिए जो भी दोनों गुट के जो भी सरगना लोग हैं, जो भी बोलते हैं कि हम नेता हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस मैटर को और ना उलझाएं। चंदा के जो, अगर हम चंदा का जो ये मैटर नहीं रहता और मेरिट नॉट मेरिट का ये मैटर नहीं रहता, अगर एक प्लेटफॉर्म पे ये लोग आके और जितने आंदोलन किए हैं और विशाल तरीके से अगर आंदोलन करते, तो आज हम लोगों को ये जो एक साल हो गया, इतना टाइम वेस्ट नहीं होता और गवर्नमेंट तक हम अपनी आवाज़ को आसानी से पहुँचा सकते थे। सुशील जी, कोर्ट का आदेश आ गया है, इस पर क्या कहिएगा? जी, कोर्ट का आदेश आ गया है, एक मेरिट का ही केस था जिसका सुनवाई हुआ था, जिसका देखिए आपके माध्यम से यहाँ पे जब हम लोग को सर्टिफिकेट मिला था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर जो सर्टिफिकेट के पीछे लिखा हुआ था उसको बहुत लोगों ने पढ़ा था, लेकिन आज मैं सबसे ऊपर जो उच्च न्यायालय का जो आदेश है, जो आदेश आया उसको आपके सामने और आप दर्शकों के सामने हम पढ़ना चाहते हैं कि देखिए इसमें लिखा क्या है। A counter affidavit has been filed on behalf of a state of Bihar in which
इट हैज बीन स्टेटेड दैट एज फार एज डिस्क्रिपेंसीज पर्टेनिंग टू क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड इन द रिजल्ट ऑफ एसटीटी 2019 इज कंसर्न्ड इट इज स्टेटेड द सेम वाज एन एरर कमिटेड बाई द बोर्ड एंड इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द सेड इशू अ कमिटी वाज कंस्टिट्यूटेड बाई द एडुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार हेडेड बाई सेक्रेटरी एडुकेशन डिपार्टमेंट एंड एज पर रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी इट वॉज डिसाइडेड टू परमिट ऑल 2019 एसटीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इसका ये था कि 21 जून को जो रिजल्ट आया था जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट जो डिवाइड कर दिया गया था उसका क्या हुआ कि 22 तारीख को एक कमेटी बनाया गया था जो एडुकेशन डिपार्टमेंट जैसा कि आपने अभी सुना कमेटी बनाया गया था और उसके द्वारा 26 तारीख का जो लेटर आया था 26 जून उसमें बोला गया था कि जो भी जो गलती हुई है दोनों खेमा के लोग जो मेरिट हैं और नॉन मेरिट जो सोकॉल्ड जिसको हम बोलते हैं सोकॉल्ड मेरिट नॉन मेरिट वो दोनों आगे के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट करेंगे और जो मेरिट बनेगा जो मेधा सूची बनाई जाएगी वो नियोजन इकाई या शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित कमेटी के द्वारा बनाया जाएगा और उसके बाद जो भी मेरिट लिस्ट में आएंगे उस समय नियोजन प्रोसेस में वो उनको कॉलेज में या स्कूलों में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ था और कोर्ट भी अब फाइनल ऑर्डर दे दिए हैं। तो अब हम रिक्वेस्ट 3800 डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखिए अब मेरिट और नॉन मेरिट के झमेले में मत पड़िए। जितने भी लोग हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग को पास किए हैं वो सारे एलिजिबल हैं और एसटीटी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है 2019 का टीचर के लिए वो सारे उसमें भाग लेंगे। तो अब हमारा यही होगा कि सभी लोग जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं एक प्लेटफॉर्म पर आइए और आवाज़ को इतना बुलंद कीजिए कि हमारी जो बड़ी सरकार है वो हमारी बातों को आसानी से सुन सके और समझ सके ताकि हम एकजुटता का परिचय देते हुए अगर हम दो खेमे में नहीं बटेंगे एकजुटता का परिचय देंगे तो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज सुन एज पॉसिबल हो सकता है बहुत जल्द हो सकता है अगर ये चीज़ होगी तो। और अभी भी अगर ये चीज़ अगर मन में अगर कोई शंका है कि मेरिट और नॉन मेरिट कुछ होता है और लोग इस तरह से डिफरेंसेस अगर डिवाइड एंड रूल का अभी भी लोग इस चीज़ को अगर नहीं समझेंगे तो ये वैकेंसी और डिले होती जाएगी हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और डिले होता जाएगा। तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इस बात को समझे। अब तो कोर्ट भी इस चीज़ का ऑर्डर दे दिया है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए 5 दिनों का मेरिट का ज्यादा मोह नहीं रखिए और सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और उसके बाद आगे का जो भी आंदोलन हो महा आंदोलन हो रोड शो हो रोड रैली हो जो कुछ भी करना है एक साथ मिलके कीजिए तो हम बहुत जल्द अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ये हम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कोर्ट ने भी कह दिया है कि मेरिट और नॉट मेरिट कुछ नहीं होता है सब एक हैं तो क्या एक साथ आप लोग आएंगे? मैं इसी बात का रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी लोग हैं चाहे एसटीटी 19 क्वालिफाइड कैंडिडेट चाहे जो भी हों मेरिट के खेमा के हों या नॉन मेरिट खेमा के हों जो भी के हों आप सब एक प्लेटफॉर्म पे आइए और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए ताकि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर हम यूनाइट हो जाएंगे तो जो दो खेमा में बट के काम करते हैं वो अगर यूनिटी के साथ करेंगे ना तो ये चीज़ों को हम बहुत जल्द कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग हमेशा जब शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं तो एक ही चीज़ सुनाई पड़ता है कि छठा पेज। अभी भी छठा पेज का ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है कि छठा पेज का 2017-19 का बैच को लेने के लिए ये जो शेड्यूल 1 से 1.5 महीने में जो कंप्लीट किया जा सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा उस शेड्यूल को 3-4 महीने का कर दिया गया है ताकि ये प्रोसेस और लंबा हो। ये सिर्फ और सिर्फ 7th फेज के कैंडिडेट को लेट करने का तरीका है जो शिक्षा विभाग के द्वारा रचा जा रहा है। इस चीज़ को समझिए और एक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए ताकि हम अपनी ज्वाइनिंग को एज सुन एज पॉसिबल जितना शीघ्र हो सके हम कॉलेज में स्थापित हो सके स्कूलों में स्थापित हो सके। इसके लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा अगर नहीं आते हैं तो ये प्रोसेस और डिले होगा। यहाँ के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी से क्या अपील करना चाहेंगे सुशील जी? शिक्षा मंत्री जी विजय कुमार चौधरी सर से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अब हमारा जो ऑलरेडी 2019 का वैकेंसी है 3 साल से ज़्यादा हो गया है हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सर कि हमारा जो भी आप बोले हैं जो 12 मार्च को बोले थे आप 55 मिनट का जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था उसमें आप शिक्षा मंत्री जी बोले थे उनके साथ साथ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय सर और BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर सर और उस समय माध्यमिक के अध्यक्ष हुआ करते थे रंजीत सर 3 IAS के प्रेजेंस में शिक्षा मंत्री जो बोले हैं अपने पद का गरिमा रखते हुए जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों किसी भी
महिला कैंडिडेट हो या कोई भी हो, सब्जेक्ट वाइज कोई भी सब्जेक्ट के हो, कोई भी कैटेगरी के हो, सभी जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो आप बोले हैं कि सबकी नियुक्ति पक्की है, सबकी नौकरी पक्की है और सभी लोग अपने घरों के आसपास और मोहल्ले में और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको बता चुके हैं, तो इस चीज़ को आप समझिए और जो आप बोले हैं अपनी पद की बात की अपनी गरिमा रखते हुए जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको एक ही चरण 7th फेज में एज सून एज पॉसिबल जितना जल्द से जल्द हो सके आप ज्वाइनिंग दीजिए। एक भी कैंडिडेट चाहे वो लास्ट पदान पे ही क्यों ना हो उसको आप छोड़िए नहीं, क्योंकि आपने ही बोला है कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सबकी नौकरी पक्की है। पक्की है सर तो आप पक्की आपको करनी पड़ेगी और नहीं जब तक कीजिएगा चाहे वो जिस भी सब्जेक्ट के हो जिस भी कैटेगरी को हो तो हम लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। ST T19 कहीं से भी पीछे नहीं हटने वाला है, ना आपकी बात से हटने वाला है, ना हम लोग अपने कदम पीछे हटाएंगे जब तक कि सभी कैंडिडेट की ज्वाइनिंग ना हो जाए। ST T19 के तमाम कैंडिडेट क्या संदेश जाएगा आपके तरफ से? देखिए 3800 डिस्ट्रिक्ट के जो ST T19 के कैंडिडेट हैं उनको मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप अभी जो हमारा है अभी बहुत ही मुश्किल समय है, इसमें आप लोग विचलित नहीं होइए, आप सब धैर्य बना के यूनिटी के साथ एक महा आंदोलन का आगाज किया जाएगा जिसमें यूनिटी आप सबको दिखाना है, जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सभी लोग महा आंदोलन का जब आगाज किया जाएगा सभी लोग आप धैर्य बना के रखिए, एक साथ एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए हम लोगों को पटना में उतरना पड़ेगा ताकि हम लोग अपनी बातों को गवर्नमेंट तक आसानी से पहुंचा सकें और हम अपना नौकरी पक्का करवा सकें। इसलिए जितने भी ST T क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं कोई भी अगर आपको भरमाने की कोशिश करता है, बोलता है कि ये मेरिट हो नॉन मेरिट हो सो कॉल्ड जो कुछ भी हो अब कुछ नहीं है सारे लोग क्वालिफाइड हैं, तो आप कहीं से भी विचलित नहीं है ये और किसी के भ्रम जाल में और ये जो चंदा का गेम चल रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़िए, नहीं तो ये आंदोलन ये जो बहाली है ये और लटकता जाएगा और लंबा खींचते जाएगा। 6th फेज जैसे जिस तरीके से रबर की तरह लंबा होते जा रहा है 7th भी उसी तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से पुराने जो कुछ 6th फेज के साथ हुआ है उससे हमें सीखने की ज़रूरत है और जो रेलवे का जो आंदोलन हुआ था उससे भी हमको सीखने की ज़रूरत है। देखिए वो एकजुटता का परिचय करते हुए अपना आंदोलन किए और आज सक्सेसफुल है क्योंकि उसमें कोई चेहरा कोई किसी चीज़ का भ्रम का बात नहीं था और हमें भी इसी तरीके से करना चाहिए। हम 80,000 हैं, 80,000 कैंडिडेट अगर एक साथ आ जाते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके एक साथ आके अगर महाआंदोलन का आगाज करते हैं, शिक्षा मंत्री 4 दिनों में हम लोगों को ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन आउट करेगा और जल्द से जल्द देगा। तो ये समझने की बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कहीं से भी भ्रम जाल में न रहें, जितने भी कैंडिडेट हैं क्वालिफाइड हैं और एकता और यूनिटी का परिचय देते हुए आप सबको जब महाआंदोलन के लिए आगाज किया जाएगा एक प्लेटफॉर्म पे आके पटना की धरती पे इसको आइएगा और अपना प्रदर्शन कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक और गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं उनके कानों तक ये आवाज़ को हम बुलंद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं ST T क्वालिफाइड अभ्यर्थी सुशील थे, कोर्ट के तरफ से भी आदेश आ गया है कि तमाम मेरिट नॉट मेरिट कुछ नहीं होता है, तमाम अभ्यर्थी एक हैं और विजय चौधरी ने जिस तरीके से कहा था कि सबकी नौकरी पक्की, तो देखना ये होगा कि कब तक इन लोगों को नौकरी मिलता है। सुशील का साफ साफ कहना था कि तमाम मेरिट नॉट मेरिट के अभ्यर्थी जो है वो एक साथ आए और एक साथ पटना के सड़कों पे उतरे और उग्र आंदोलन करें जिससे शिक्षा मंत्री को सुनना पड़े। फिलहाल सुशील को सुन रहे थे आप, अब देखना ये होगा कि तमाम ST T अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।